अरे भैया जल्दी, अरे कुचल दो मुझे, कुछ भी करो, लेकिन मैंने दो टिकट हासिल कर ही लिया। क्या हो गया सीनू? लता, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन टिकट परसों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक ही टिकट मिला। देखो कितनी चोट भी लग गई है, बस ये एक ही टिकट मिला। लास्ट में एक ही टिकट मिली क्या? मैंने बहुत ट्राई किया, बस एक ही मिला। ये रो मत, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, नहीं रोऊंगा। लता, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की किस्मत मेरी नहीं है। लता, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए ही की थी, तुम जाओ। नहीं सीनू, तुम्हें पवन कल्याण पसंद है, मैं जानती हूँ, तो फिर तुम जाओ। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं पसंद है लता। सच में? वो मैंने कंपेयर नहीं किया है, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। अरे थैंक यू। लता, क्या हुआ सीनू? वो क्या है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मेरा मन होता है, लेकिन क्या करूं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊं क्या? पहले बताओ ना। ये क्या सीनू, वैसे भी टाइम हो रहा है, मैं जाऊं या तुम जा रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें दे दिया ना, अब मैं वापस नहीं लूंगा। तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ क्या? बताओ मुझे, लगता हूँ क्या? लगता हूँ तो कोई बात नहीं, हाँ मैं हूँ। क्या हो गया सीनू, फालतू बातें क्यों कर रहे हो? देखो लता, अगर तुम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगी तो मेरे बारे में तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। पृथ्वी गोल है, आकाश नीला है, कुछ भी हो जाए, शो देखने से ये सब तो नहीं बदलने वाला ना। अरे क्या सीनू, लगता है तुम्हारा जाने का मन है, तुम जाओ, ये लो पकड़ो। क्या बोल रही हो ये तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, तो फिर ये टिकट क्या चीज है? ओके सीनू, लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ बाय बाय बाय। अरे टिकट, अरे मैंने इतनी मेहनत की थी फिल्म देखने के लिए, ही क्या हो गया। अरे हाँ, लता तुम्हें फिल्म नहीं देखनी है क्या? इस एक टिकट के लिए तुमने क्या क्या किया ये मैं अच्छे से जानती हूँ, सब पता है। अगर मैं पवन कल्याण की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखूंगी तो क्या धरती गोल नहीं होगी, आसमान नीला नहीं होगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। लेकिन तुमने शो नहीं देखा तो तुम जरूर मर जाओगे। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ना देखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ नाइट में देखूंगी, मेरे लिए तो ये भी काफी है। लता जाओ, तुम ही जाकर देखो। तुम नहीं जाओगी? नहीं, जाओ वरना ये फाड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, जा रहा हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारे कहने पे मैं जा रहा हूँ। कोई देख तो नहीं रहा है ना? कोई देख नहीं रहा है ना? भाई थैंक्स यार, जबरदस्त पार्टी अरेंज की है। हाँ भाई, वैसे भी तुम्हारे भैया को स्टेट में रैंक मिली, ये सुनकर हमें भी बहुत खुशी हुई, इसीलिए चीयर्स। नारायण खेड़े के बच्चे तो बच्चे ही हैं,
करेक्ट। बाहर के लड़के कैसे होते हैं? पीते हैं, घूमते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, कुछ लोग तो लड़कों के साथ भी घूमते हैं। पर हमारे नारायण खेड़ के बच्चे तो 9 बजे के बाद बाहर बुलाने पर भी नहीं आते। कुछ भी कह लो यार, अपने लड़के तो जेम्स हैं। जेम्स हाँ, जेम्स, जेम्स। अरे जेम्स यहाँ कहाँ जा रहा है? पता नहीं। सूरज के पिताजी को मरे हुए तो अभी एक ही दिन हुआ है, वो भूत तो नहीं बना होगा ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। और फिर कौन सी उनकी इच्छा अधूरी रह गई? अरे वो दादाजी की फिल्म देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है ना? हैं? एक दिन में कोई भूत बन जाता है क्या? कम से कम 4-5 दिन लगते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है। वैसे अभी तू भूत के बारे में क्यों बात कर रहा है? अरे पता नहीं सीनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे मैं हूँ ना रघु, क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचता है? ऐसी जगहों पर तो वैसे भी रात में भूत घूमते हैं, और तू मुझे सीधे यहीं पर ले आया। अबे एक गधे, अगर चप्पल निकाल कर बगल में रख देंगे ना तो भूत हमारे पास नहीं आएंगे। भूत की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बे। अरे सीनू, हाँ? तुझे डर लग रहा है क्या? हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे लग रहा है क्या? नहीं मुझे नहीं लग रहा है यार। अरे एक चप्पल दे देना। तेरे पास नहीं है क्या? तेरी चप्पल कलरफुल है, बहुत पावरफुल है, तेरे लिए एक ही काफी है, मुझे एक दे दे यार। चुप रहे, दूर दूर। तेरी तो, अगर मैं अपनी पुरानी सैंडल लेकर आता तो अच्छा होता। पकड़ 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 से। क्षमा करिएगा दादाजी। हाँ? ये भेड़िया सोते नहीं है क्या रात में? हाँ? भेड़िया शायद लाइट देखकर जग गया होगा। मिल गया क्या? ढूंढने में और कितनी देर लगाएगा? हाँ? अरे मुझे ठंड लग रही है यार। अरे ये तो दारू की बोतल है, बीड़ी। अबे ये राघव, टिकट मिल गया। ए राघव कहाँ भाग रहा है? राघव सुन ना, ए राघव टिकट मिल गया यार, कहाँ भाग रहा है? अरे कौन है बे, एक कौन है? हे ए इतने दिनों से लाशों की चोरी करने वाला तू ही है क्या? रुक जा, अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरना इसी को कहते हैं। सर, मेरी बात सुनिए सर, सर आप गलत समझ रहे हैं। शमशान में चोरी करते हुए पकड़ा गया वो युवक कैसा है बताएगा ना? अच्छा नहीं है सर। कोई पंच मिस हो रहा है सर। हाँ तो अब ये हाँ, बोलिए ना सर। नारायण खेड़ में आधी रात बड़ा कांड करने वाला, खुदाई करने वाला गणेश। गणेश जी नाम है ना तेरा? मेरा नाम सीनू है सर। मेरे पापा को पता चला तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, प्लीज सर। सर ये कहानी है एक युवक के साहस की, जिसे 25 अप्रैल 2001 को नारायण खेड़ नाम के शहर के इतिहास के पाठ में छुपा दिया गया। खुशी फिल्म की रिलीज के 2 दिन पहले नारायण खेड़ पर आधारित इस फिल्म के पात्र, दृश्य और घटनाएं कुछ भी काल्पनिक नहीं है। दिखाई गई सभी घटनाएं कभी न कभी वास्तव में घटित हुई हैं। गॉड प्रॉमिस। अरे बाप रे, क्या बात हुई? शक्कर कम पड़ गई क्या? अरे वहाँ देखो, वो फिर से पोस्टर लगा रहे हैं। अरे रे रे रे, फिर आ गई इसकी अगली फिल्म। मुझे तो डर लग रहा है सर, इज्जत उतारने के लिए मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल गया है, आप भले कुछ भी समझो। वो तो पिछले साल ही मेरे हाथ से निकल गया था। पिछले साल इसी महीने वो पवन कल्याण की फिल्म थी ना, क्या नाम था उसका? बद्री। हाँ बद्री बद्री जो भी है, उस फिल्म की वजह से मेरी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। अरे रे रे रे, क्या हुआ था सर? अरे सर उस वक्त यहाँ शहर में इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारे एमएलए साहब शहर में आए हुए थे, उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा था, वो क्या नाम था? जनता की आवाज।
हाँ जनता की आवाज, मतलब जनता में से किसी एक को माइक पकड़ा देते हैं और कहते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो एमएलए साहब को बता दो। अच्छा, सभी ने शहर के हालात के बारे में बताया कि यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, रोड और बाथरूम कब अच्छे बनेंगे, स्कूल नहीं है तो स्कूल कब बनेंगे, बस यही मांग कर रहे थे। तभी मेरा बेटा उठा और माइक पकड़ के गर्व से बोला, सर मेरा नाम है के श्रीनिवास, मैं हेडमास्टर के धर्मराज का बेटा हूँ, बद्री मूवी की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट दिलवा दीजिए सर। अरे रे 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 रे। अरे एक दिन की बात है, मैं स्कूल में डीओ के साथ लंच कर रहा था, तभी टीवी में वही नजर आया, सबके सामने मुंह छिपाना पड़ा, समझ नहीं आया कि क्या करूं मैं, बिना लंच की वहां से उठ के चला गया। तो फिर आपके बेटे को टिकट मिला क्या सर? क्यों रे, मजाक लग रहा है तुझे? हैं, बेवकूफ कहीं का, लगता उसने पढ़ाई मेरी इज्जत उतारने के लिए की है। एक हेडमास्टर के बेटे को ये शोभा देता है कैसा? बिल्कुल शोभा नहीं देता सर। अरे ये पवन कल्याण की फिल्म है भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्या पागलपन है इसमें? अरे जब मूवी 10-15 दिन चलेगी तो बाद में देख ले, क्यों टिकट के लिए सबके सामने हाथ फैला रहा है? अरे हमारी जनरेशन में क्या फिल्म और हीरो नहीं हुआ करते थे? ऐसा कोई थिएटर नहीं छोड़ा और ऐसा कोई शो नहीं छोड़ा जो हमने ना देखा हो। सर 10-15 दिन की क्या बात है, आजकल तो एक महीने का भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। टॉकीज में आजकल टिकट मिलना कोई मजाक लगता है क्या? पिछले साल आपने पेपर पढ़ा नहीं क्या? बद्री फिल्म के लिए अपने कलेक्टर का बेटा टिकट लेने गया था तो लोगों ने उसे मारकर भगा दिया। तू भी पवन कल्याण का फैन है क्या? नहीं तो क्या तुम्हारा हूँ? हाँ ऐसा हैरा गहरा ही पवन कल्याण का फैन हो सकता है। बेटा सीनू, हमारे थिएटर ओनर सुदर्शन सर है ना, उन्होंने कल खुशी फिल्म की टिकट देने के लिए बोला। कहाँ है वो, मैं अभी लेके आता हूँ उसे। अरे तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बची है क्या? प्लीज सुन, कम से कम मेरी इज्जत की हवा निकालने की कोशिश तो मत कर, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। ए, चुप करो। उसके कॉलेज जाने के टाइम पे ही तुम्हें पंचायत करनी थी। हाँ टाइम तो हो रहा है, वहाँ पीछे रोड पर बड़ा बैनर लगाया ना, वहाँ इसे हार चढ़ाना, दूध चढ़ाना, फिर उसकी आरती उतारनी है। ये बता तेरी खोपड़ी में आइडियाज आते कहाँ से हैं? एक काम कर, एक हार लाके मेरी फोटो पे चढ़ा दे, सारी मुसीबत टल जाएगी। ए, ऐसी बातें मत करो, कहीं ये सच हो गई तो। तू जाके डोसा बनाना। बड़े आए जैसे डोसा खा के देश बदल देंगे, गैस का बिल तो भर नहीं पाते। इतने दिन तक तेरा बाप बिल भर रहा था। अरे मेरे सपूत मुझे एक बात बता, अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखेगा तो तुझे मौत आ जाएगी। मौत आ जाएगी क्या? बोल मौत आ जाएगी क्या? अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो की लाइन में लगेगा और धक्का मुक्की में कहीं मारा गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तेरा। इकलौता बेटा यही तो बदकिस्मती है मेरी। अरे आज के लिए रुक जा, इस रविवार को मैं खुद तेरे लिए टिकट लेके आऊंगा। सिंह बेटा मेरी दोस्तों के सामने कुछ इज्जत है, वो मत उतार, प्लीज रे, प्लीज मान जा। ठीक है डैडी, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, शाम को आके बात करता हूँ। बाय डैडी, लव यू। जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मसाले हो, जलते रहो, जलते रहो, जलते। ओ, रुको रुको भाई, ये हेडफोन निकालो। अच्छा भाई यहाँ पे मार्केट कितने बजे शुरू होता है? मार्केट जाने का रास्ता क्या है? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कोई रास्ते नहीं मिल रहा है। मुझे इस बारे में नहीं पता। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग।
भाई, तुम्हें खुशी फिल्म की स्टोरी पता है क्या? जरा बताओ तो। अरे पागल है क्या, अभी फिल्म रिलीज तक नहीं हुई है, फिर भाई को कैसे पता? ये पागल हो गया है क्या? भाई को सभी फिल्मों का पता चल जाता है, रिलीज से कोई मतलब नहीं। भाई आप बताओ ना। सिंपल है भाई, ये मेरा जहां, मेरा घर, मेरा आशिया, मतलब हीरो का घर आशिया में ही कहीं पर है। लाइनों में क्लियर बता रहे हैं। तो फिर चीर के अंधेरे मतलब? चीर दूंगा कह रहा है ब्रो, चीर के अंधेरे सूरज को ले आए यहाँ, मतलब सूरज नाम का बंदा विलन है, वो कहा है नहीं बताओगे तो चीर दूंगा ऐसा कह रहा है। अरे सूरज आ जा रे यहाँ, ऐसा एक डायलॉग होगा क्लाइमेक्स में। फिल्म में एक बहुत गुस्सल कैरेक्टर है पवन कल्याण का, लेकिन रूटीन ड्रिवन स्टोरी है, नया मसाला नहीं है, देखते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी। भैया आप अपने हीरो की फिल्म की कैसेट देना। कैसेट दूं? कहां रखी मैंने? उधर देखो तो। इधर रखी होगी शायद, देखता हूँ। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, खुशी फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट चाहिए। और भाई कैसे आना हुआ? ये लो भाई। हाँ भाई, आपने क्या कहा था? बैनर लगवा दूंगा तो आप रवि भाई से टिकट दिलवा देंगे? मैंने पैसे खर्च करके बैनर बनवाए थे ना, मतलब हम दोनों ने मिलके बनवाए थे। तो फिर टिकट कहाँ है भाई? कल के बाद परसों फिल्म रिलीज हो रही है, कब देंगे आप हमें टिकट? अरे शीनू, अपने बाप की तरह मुझे मत पका यार। अगर आज मैंने तुझे टिकट नहीं दिया ना, तो अपनी दुकान बंद करके शहर चला जाऊंगा। एक काम करो, शाम में 4 बजे करेक्ट यहाँ आ जाना, फिर मैं रवि भाई के पास जाके 2 टिकट लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। हाँ तो अब निकलो यहाँ से। ठीक है भाई, भूल मत जाना। अरे रे 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 रे, तू इधर आ। ये पवन कल्याण का फैन है, पूछ रहा तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन तू तो वेंकटेश का फैन है ना, तो तू इतना चुप क्यों है? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, वेंकटेश और पवन कल्याण दोनों अलग थोड़े हैं, वो दोनों एक ही हैं। फिल्म में छिछोरापन करते हैं, हीरोइन से डांट खाते हैं, अपने माँ बाप से मार खाते हैं और छोटी छोटी चड्डियां पहनते हैं। वो दोनों साथ मिलकर जरूर किसी न किसी दिन बड़ी पिक्चर बनाएंगे और वो सुपर हिट हो जाएगी, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। चलता हूँ भाई, शाम को मिलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इनका बस चले तो शाम तक यहीं बैठे रहे। नॉर्मल कटिंग का 20 रुपया, स्टाइल कटिंग का 30 रुपया, कौन सी कटिंग करनी बताओ भाई? अब्बास कटिंग करो भाई। हाँ अब्बास कौन है, जानता है के तू? अब्बास कौन है पता नहीं, बस मुझे कटिंग करानी है, चलो काटो। अब्बास कौन है जानता नहीं, लेकिन हर इंसान को अब्बास कटिंग चाहिए। पूरा मुझ पर मत थूको मेरे भाई, जरा बगल में थूक दो। अरे तुम पर कहां गिरा? अरे पास में मत आओ यार। अरे दूर खड़े होकर कटिंग कैसे करूंगा, और ऊपर से अब्बास कटिंग चाहिए। बालराज भाई कैसे हैं? अरे अरे बिल्कुल टाइम पर आए हो तुम, आजा आजा। मेरा टिकट कहां है भाई? अरे रुक ना भाई, आजा। अरे अब्बास का वो बॉक्स देना, हाँ वही ब्लू कलर वाला, अरे देना यार जल्दी। शाइन एंड सिल्क की भाई, थैंक यू। तेरे लिए हैदराबाद से मंगवाया है अपने भांजे से, चलो लगाओ। ऑलरेडी तुम्हारे बाल शाइनी है और अब हो गए सिल्की। भाई टिकट कहाँ है भाई? तुमने जो चीज मांगी वो मैंने तुम्हें दी ना, तो आज दोपहर को रवि भाई ने अपने घर पे कटिंग के लिए बुलाया है, तुम्हारे 2 टिकट वहाँ से लेते आऊंगा, अगर चाहिए तो डायरेक्ट यहीं आना और यहाँ से लेके जाना। भूलिएगा नहीं भाई, हमने बैनर भी लगवाया है। अरे मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, फिर जाओ जाओ। चलता हूँ भाई, शाम को सीधा यही आना। हो गया क्या भाई, अब मैं यहाँ बैठू या चला जाऊँ? क्यों भाई क्या हो गया तुम्हें? ए क्या बलराज, तुम भी मेरे मुंह पर शेविंग क्रीम लगाने के बाद तुम बात करने बैठ जाओगे तो क्या मैं खुद ही घिसने बैठ जाऊँ? वैसे उस सीनू से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? हैदराबाद से तुम्हारे लिए जेल मंगवा देता हूँ, तुम्हारी फ्री में कटिंग कर देता हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो दिक्कत होने लगती है, 30 रुपए देता हूँ तो मुंह खो जाते हो। अरे अरे असल में तुमने समझा क्या है मुझे? 1996 इसी जगह पर छोटा कटिंग का काम था मेरा, एक ही कैची और एक ही आईना, सारा दिन मक्खी मारता था, ग्राहक एक दो। ऐसे ही एक दिन आया एक लड़का, नाम था सीनू,
आकर बोला, भाई मुझे 40-60 हेयर स्टाइल चाहिए, काटोगे क्या? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, ये 40-60 क्या है छोटे? तभी उसने जेब से पवन कल्याण की फोटो निकाल कर दिखाई और बोला, ये है 40-60, यहाँ है 40 और यहाँ है 60। और फिर तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी क्या मुंह में गुटखा भरे रहते थे? ए, या पगला है क्या तू? असल में इतनी छोटी सी उम्र में उस हेयर स्टाइल के बारे में पता होना और उसकी डेडिकेशन देखकर मैं मस्त इम्प्रेस हो गया। फिर मैंने समय लेकर कटिंग की और सेम टू सेम कटिंग की। उसके बाद बस वही पूरे शहर में हमारा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल बन गया। फिर हर एक इंसान मेरी दुकान पर आता था, भाई मेरा 40-60 कर दो, मेरा 40-60 कर दो कह के। इससे मेरा बिजनेस भी बूम हो गया और इतनी बड़ी दुकान बनाकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आज मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसके पीछे की वजह सीनू है। अरे मेरा भाई है वो, उसकी फ्री कटिंग ना करूँ तो क्या तेरी करूँ? तेरी तो भाई, जरा एक कोल्ड ड्रिंक देना। पवन कल्याण का फैन मतलब मजाक है क्या? एक बैनर पे 4 टिकट है, मेरी नजर थोड़ी दूर तक होती है। तू सुपर है भाई, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। यस। सॉरी सीनू, सॉरी, दिमाग से उतर गया। ये लो तुम्हारी पेप्सी। ये दिल मांगे मोर। आहा। सीनू, अरे अरे सीनू, मुझे भी। कुछ कह रहा था क्या तू? ठंड पड़ गई ना। चल चलते हैं, ये मेरे पापा के खाते में लिख देना। तेरे एक तो। ए बबलू, मैं कह रहा था ना, ये वही लड़का है। भैया आप पवन कल्याण के फैन हो ना? तुझे कैसे पता? हेयर स्टाइल देखकर ही समझ आ रहा है भैया। चल जाके भाई कर, आजकल के बच्चे भी। चल, चल। अरे प्यार तो तेरा ही है भाई, तूने अपनी बंदी के लिए ऐसे भी काम किए जो तुझे पसंद नहीं है। आज तू नहा भी लिया, ग्रेट है यार, ग्रेट लवर है यार तू। अरे यार कम से कम मौज तो मेरी ड्रेस मैच होनी चाहिए उससे। ए क्या कर रहा तू? मैच कर ले, आजा आजा। और क्या हाल है? हां ना, जल्दी जगह रखिए मेरे भाई। कैसा है? अभी आने वाले। क्या भाई कैसा है? अरे रुकना, एक मिनट, मैं बता दूं। फर्स्ट क्लास संस्कृत की क्लास है, एमपी वाले आकर ज्वाइन करेंगे, बाकी सब उठकर एक किनारे शिफ्ट हो जाओ। उठो उठो। अटेंडेंस, प्रमोद। प्रेजेंट सर। लक्ष्मी। प्रेजेंट सर। श्रीनिवास। एब्सेंट सर। ए प्रेजेंट सर। ए लता, पीछे क्या देख रही हो? सामने देखो, बोर्ड सामने है। मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग। चल। प्यारी लग रही है सच में, मुझे तो कलर बहुत पसंद है। उस लड़की को आखिर कब बताएगा तू? वो लड़की जैसे फिल्म में होता है, समर हॉलिडे में अपनी नानी के घर जाएगी, फिर बिना किसी को दिखाए दिए डायरेक्ट शादी करके आ जाएगी। उसके हाथ में बच्चा भी होगा, क्या उसके बाद तुम उसे जाकर बताओगे? अरे बता ना। मैंने कहा था ना कि हमारे कॉलेज में पवन कल्याण के जैसा कोई लड़का है, ये वही है। भैया आप बिल्कुल पवन कल्याण के जैसे ही दिखते हो भैया। अरे ये सीसी करना छोड़ो भैया, गणपति के त्योहार में आपने फिल्म बद्री का एक स्टेप किया था ना भैया, वो ऐसे ऐसे वही एक बार करो ना भैया प्लीज, बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया लड़कियों को छोड़ो ना, आपसे तो कोई भी पट जाएगी। हाँ भैया, अब तू देख एकदम सेम टू सेम करेंगे भाई, एकदम कॉपी करो भाई।
देखना देखना वैसा ही लग रहा है। अरे यार अरे माइंड ब्लोइंग यार देखा तूने हमें क्लास में चलना है ना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है ना टाइम हो रहा है मैं इधर आओ हाय तुम पवन कल्याण के फैन हो मैं पवन कल्याण का फैन हूँ ये तुम्हें किसने बताया मैं भी पवन कल्याण की फैन हूँ मुझे परसों खुशी फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट चाहिए दिलवा दोगे क्या तुम ये बताओ कि तुम्हें कितनी टिकट चाहिए मैं लाके दूंगा बताओ बस एक 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 ही टिकट तुम अकेली जाओगी मतलब तुम मेरे साथ फिल्म देखने मतलब मेरे साथ फिल्म देखने जाओगी यही कहना चाहती हो अगर तुम बोलोगे तो आऊंगी मना करोगे छोड़ जाने दो मैंने ऐसा कहा क्या तुम भी पवन कल्याण की फैन हो मैं भी उनका फैन हूँ हम दोनों साथ में फिल्म देखने जाएंगे तो गलत क्या है अब हम दोनों का परसों फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना कन्फर्म है तुम कोई दूसरा ऑप्शन मत रखना ठीक है फिर मिलते हैं लता बाय सी यू सून सी नू क्या बात है तुझे क्या हो गया बे मुझे क्या होगा कुछ भी तो नहीं तू जा उसी के साथ फिल्म देख असल में तू है कौन ये बता बकरा हूँ वेंकटेश का फैन है तू त्याग की अहमियत वेंकटेश से ज्यादा कोई नहीं जानता तू करेक्ट है यार अच्छा सुनना तू कंजूसी करके केवल दो टिकट मत लेना प्रताप भैया और बलराज भैया के पास से चार टिकट लेकर यहाँ एक सीट वहाँ एक सीट बीच में तुम दोनों प्राइवेसी के साथ फिल्म एंजॉय करना भाई चलो भाई चलो पहले हम लोग चलकर बलराज भैया से टिकट लेते हैं चलो बाय 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 टिकट सेट तो लड़की सेट लगता है तुम अब किसी की नहीं सुनोगे क्या हुआ दुकान क्यों बंद है लगता है ग्राहक नहीं आ रहे होंगे चलो प्रताप भैया के पास जाकर टिकट लेते हैं चलो प्रताप भैया इंतजार कर रहे होंगे हमारा ये क्या बे भैया भैया हाँ प्रताप भाई कहाँ गए दुकान क्यों बंद किए उन्होंने भैया को हैदराबाद के हॉस्पिटल में ले गए हैदराबाद के हॉस्पिटल में क्यों गए क्या हो गया उन्हें तुम्हें नहीं पता क्या अरे क्या हो गया अरे कमल की दाढ़ी रखी है कैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है भाई बहुत दिन से मिले नहीं सुबह सुबह कहाँ निकले हो रवि भाई से कुछ काम था बस उनसे मिलने जा रहा था मैं भी रवि भाई के पास भाई उन्हीं के पास जा रहा हूँ तुम्हें क्या काम है अरे वो सीनू है ना अरे अपने धर्मराज जी का बेटा अरे वो दो दिन से रवि भाई के पास से टिकट लाने की रट लगाए बैठा हुआ है मैंने उसे कहा कि ठीक है तू बैनर बना मैं रवि भाई से टिकट लाके दूंगा वो इतना तेज निकला कि सच में बैनर बनवा दिया इसलिए मैं रवि भाई के पास जा रहा हूँ दो टिकट लाके देने के लिए क्या भाई मजाक कर रहे हो मुझसे वो तुमसे क्यों टिकट मांगेगा प्रताप रेड्डी अरे बद्री फिल्म की टिकट नहीं मिली थी तो तब तो तुम मेरे पास आए थे क्या बात कर रहे हो बलराज भाई क्या बात कर रहे हो उस दिन अगर मैंने टिकट नहीं दिलवाई होती तो तुम फिल्म कैसे देख पाते सीनू ने मुझसे टिकट मांगी तो वही लाने जा रहा था बीच में ये तुम्हारा क्या मचमच है कुछ भी बोलते हो अरे वो अपने भाई की तरह मार डालूंगा बसकर और सुन उसे पहले भाई मत बुला क्यों पहले बता तूने आज तक कोई फिल्म देखी है हा? जो तू खुशी फिल्म की टिकट लाके देगा जब मुझे नहीं मिल रही तो तुम्हें कहाँ से मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी टिकट तूने फिल्म थिएटर की शक्ल भी देखी है क्या बड़ा आया है अपने भाई को भाई ना बुलाऊं तो क्या तेरा भाई बुलाऊं क्या मेरा भाई है 20 रुपए की कटिंग क्या करवा ली तो तेरा भाई हो गया क्या वो कुछ भी बोलता है तू लाइन क्रॉस कर रहा है प्रताप रेड्डी कितनी बदबू आ रही है तुझे मारना भी चाहूं तो नहीं मार पाऊंगा अच्छा हुआ कि तेरे गुटके ने तुझे बचा लिया नहीं खा रहा हूँ मीनाक्षी फ्लेवर चल आजा टेस्ट करा दो अभी दिखाता हूँ तुझे मैं और छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं नहीं नहीं Hmm.
क्या है यार, कैसे हो गया ये सब? हम भी क्या करें यार, वैसे भी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने झगड़ा किया और एक दूसरे का सर फोड़ दिया, दोनों बचेंगे कि नहीं? उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं, बेवकूफ कहीं का। उससे बोल दिया है कि मैं टिकट लेके आऊंगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इस शहर में वही दोनों है क्या? बहुत सारे लोग पवन कल्याण के फैन है, फिल्म की रिलीज परसों है ना, अभी भी बहुत टाइम है। एक काम करते हैं हम लोग, नारायण थिएटर में जो जो पवन कल्याण के फैंस हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं, सभी के पास जाएंगे, कोई ना कोई तो टिकट दे ही देगा। भाई एक पेन देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी। ठीक है, फिकर मत कर भाई। अरे सीनू, मैं तुमसे ही मिलने की सोच रहा था, जरा खुशी फिल्म की परसों की टिकट की व्यवस्था करोगे? देख क्या रहा है, चल अब यहाँ से। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते सीनू, एक मिनट। अरे एक बार बोला, समझ में नहीं आता क्या? इंसान है या जानवर? खाना खा रहा है या घास खा रहा है? अरे एक टिकट नहीं दिला सकता तू? नहीं दिला सकता तो मर जा, दोबारा टिकट के लिए बोला ना तो चाकू घुसा दूंगा तेरे पेट में। रेक फोन, गधा कहीं का। हाँ सिनू बोलो, कैसे आना हुआ? अरे वो टिकट नहीं, बैटरी है क्या? हाँ बहुत सी है, कौन सी बैटरी चाहिए तुझे? नहीं नहीं लेने नहीं, मैं तो बस पूछने आया था। चलता हूँ भाई, बाय बाय। अरे लगता तुम्हारा ही है भाई, मुझे कल ही दो टिकट मिले लेकिन अचानक मुझे हैदराबाद जाना है। अब किसे टिकट दूं यही सोच रहा था कि तुम लोग आ गए, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे यही तो रखा था, रुक जाओ मैं देखता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ मैंने यहाँ टिकट रखी थी, तुमने देखी है क्या? कौन सी टिकट? मैंने नहीं देखी। अरे तुमने नहीं देखी तो कौन देखेगा, उसी में थी, मेरी रेड वाली शर्ट में, उसमें। ये क्या बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा? तुम्हें सही आदमी के पास जाना चाहिए था, सुरेश भाई। हा? सुरेश भाई के पास जाना चाहिए था टिकट के लिए, वो तो वैसे भी पवन कल्याण का फैन नहीं है। जाओ जाके उससे मिलो, वो पक्का दे देगा। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ। जल्दी जाओ भाई। थैंक यू। अरे सुरेश भाई तेरे पास दो टिकट है ना, एक मुझे दे दे यार, पवन कल्याण का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज यार। देख यार मैं भी तुझे टिकट देना चाहता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं पवन कल्याण का फैन नहीं हूँ ये बात सही है, लेकिन मेरे दादाजी उनके हार्ड कोर फैन है। You can't stop him. ओ जान मेरी आ जाना, मेरे दिल को आके छू जाना, पल के बिछाऊं तेरी राह में, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार। सीनो ये सब छोड़ दे यार, जादुई बटन की खोज कर, जिसे बस एक बार दबाते ही फिल्म की टिकट बुक हो जाए। कौन से थिएटर में चाहिए, कौन सा शो चाहिए, कितने टिकट चाहिए और कहाँ चाहिए, कौन सी टाइमिंग पर चाहिए, ये सारे काम बस एक सेकंड में हो जाने चाहिए। मेरा ये आइडिया अच्छा है ना, इसका नाम क्या रखूं? बुक माय टिकट। अच्छा है ना, तुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर सोचना होगा। तुझे ये फालतू की चीज सोच के मजा आता है क्या? रियलिटी में जी यार, कुछ भी फालतू बातें करता रहता है, फालतू कहीं का। मैं तो सच कह रहा था। नमस्ते भाई। हाँ? अरे साईं, क्या हो इतना परेशान क्यों है तू? कल तो तुझे जॉब मिली है ना? जॉब मिलने से क्या फायदा, जब खुशी फिल्म की टिकट नहीं मिली। उस बेकार इंटरव्यू में नहीं जाता तो शायद मुझे टिकट मिल जाती, खुद की बीवी के सामने सर उठाकर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यार, उधर चल। जा उधर बैठ। बड़ा आया इधर। भाई जरा उधर देख।
भैया। हाँ बेटी बोलो। पाव किलो रवा दे दो। पाव किलो रवा देता हूँ। रवा हो गया, अब बताओ और क्या चाहिए? एक फेयर एंड लवली, एक पैराशूट, एक वीको टर्मरिक, ओके, एक लिटिल हार्ट भी। लिटिल हार्ट्स भी दे दो। अच्छा बेटी सुनो, वैसे पिछले महीने का खाता अभी क्लियर नहीं हुआ है। फोन लगाया था लेकिन लग नहीं रहा था। अगर ऐसा होगा तो कैसे वो चलेगा? नंबर बदल दिया है भैया। बदल दिया है? अब जो नंबर है 28303030 इस नंबर पर कॉल करना। ठीक है, लिख लिया है, लिख लिया है। तू टेंशन मत ले, मिल जाएगा। टिकट दिलाना यार। पवन कल्याण का फेस मुड़ रहा है, जरा ध्यान दे। भाई मुझे भी एक खुशी फिल्म की टिकट दिलवा दो ना। अरे चिरंजीवी को भी टिकट नहीं मिल रहा। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा भाई, फिर फिल्म कैसे देखने जाऊंगा। ए, ये बैनर कौन लगा रहा है, चला जा देखते। अच्छा? अरे पहले उसे ध्यान से बांध, समझा? चल बांध। भैया भैया, बैनर लगाने वाले को दो टिकट मिलता है सुना है? आप मुझे दो टिकट दे दीजिए ना प्लीज भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी और मौत का सवाल है। हर जगह ढूंढा लेकिन टिकट कहीं मिल ही नहीं रहा है। बैनर बांधने वाले को टिकट मिलता है ये किस गधे ने बताया? इस फिल्म का टिकट मिलना कोई मजाक है क्या? देखो भाई, इस शहर में ही नहीं पूरे जिले में जाकर ढूंढोगे ना, फिर भी तुम्हें फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिलेगा और कोई देगा भी नहीं। भैया भैया प्लीज, बस दो ही टिकट तो चाहिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जहां कहेंगे वहां जाऊंगा, प्लीज। अरे रो मत यार, अरे इतनी जरूरत है तो रवि भाई से मिले और जाकर ले ले। अरे बाप रे, रवि भाई मतलब रवि भाई के पास डायरेक्ट? भैया भैया मुझे डर लग रहा है भैया। अरे डर मत, पागल है क्या? उस बाबू के मैरिज हॉल में अभी वो बैठ के पी रहे हैं। हिम्मत करके वहाँ जा और हिम्मत करके उनसे मांग ले तो मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है भाई, जरा ठीक से कर, चल खींच। अरे और कितनी देर लगाएगा, चल खींच के बांध, ठीक से बांधा। लेकिन भाई मुझे कितना मारा पता है आपको, मैंने क्या गलती की थी? लड़कियों को छेड़ना भी कोई गलत बात हो गया, मैंने तो छेड़ा भी नहीं था तो भी इतना मारा। गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े होके लड़कियां ताड़ना गलत बात है क्या भाई? कोई इसके लिए इतना मारता है क्या? हम लड़के इतना भी नहीं कर सकते है क्या? रास्ते में जो भी आ रहा था मुझे बैगन के मुर्दे की तरह धो रहा था भाई। मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है भाई। वो भले ही कोई बड़ा पुलिस वाला हो, ऐसे भी कोई मारता है क्या? आपको उसे मारना होगा भाई, इज्जत का सवाल है। कौन है वो? सतीश नाम है उसका भाई, हेड कांस्टेबल है। भाई हेलो। हेलो, मैं मेटापॉली से रवि बात कर रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो सतीश हेड कांस्टेबल? सतीश हेड कांस्टेबल है क्या? है तो, लेकिन तू कौन है? पहले कभी नाम नहीं सुना। अरे अच्छा, ए, कौन है रे, दिमाग खराब कर रहा है? लफंगा कहीं का? ठीक है तो रखता हूँ फिर। ए, चल फोन रख, फालतू की बात मत कर, बाद में बात करता हूँ। फोन करता हूँ तो तुझे अंदर कर दूंगा। अरे वो तो नहीं है ना? नहीं है क्या? फिक्र मत कर, डीएसपी से बात करता हूँ। ये सब बच्चे लोग हैं। गर्ल्स हॉस्टल तेरा ही है, जा मौज कर। थैंक यू भाई, छोड़ रहे, जा। लव यू भाई, जा जा। क्या हुआ भाई? अरे मारता रहता हूँ ना यहाँ वहाँ सबके लिए। इस बार किसको मारा भैया? हर दिन पता नहीं कितनों को मारता हूँ, सबका हिसाब रखेंगे क्या? मारना चाहिए, मारना चाहिए, लेकिन बस हाथ में खून नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान दो। भाई परसों भाई की फिल्म लगने वाली है ना, थिएटर में तो खचाखच भीड़ होगी ना। अरे बाप रे, बहुत भीड़ होगी। पिछली बार का याद है ना, बद्री फिल्म के मॉर्निंग शो में? हाँ। अपने आदमी को किसी ने टिकट नहीं दी थी तो फिर उसने चाकू चला दिया था। हाँ? राजू सेट पे। क्या सच में भाई?
अरे बड़ा लफड़ा हुआ था भाई, हैदराबाद से पुलिस वाले आए थे, फिर मैंने बीच में आके सबको सेटल किया। अरे भाई लफड़ा हुआ था भाई, हैदराबाद से पुलिस वाले आए थे। अरे वो तो छोड़ दे, उसके बारे में बात ही मत कर, नहीं तो मेरा भेजा खराब होने लगता है। फिल्म थी होली प्रेमा और दिन सवा दिन था, वेंकट रामना थिएटर, और मक्खियों की तरह लोग भिनभिना रहे थे। मणिकंठा ऐसा हुआ कि कौन है भाई, कहां से वो जो फिल्म रिलीज हुई थी ना उसमें वेंकटेश का नाम था मणिकंठा। तो मैंने क्या कहा था? वेंकट रामनाथ कहा था भाई। कितना दिन? सोवा दिन कहा था भाई। फर्स्ट 50 डेज मणिकंठा, नेक्स्ट 50 डेज वेंकट रामनाथ। बच्चे का बाल, कौन है बे तो? भाई मेरा नाम शिनू है, हेडमास्टर धर्मराज का बेटा हूँ मैं। अरे 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 अरे, तू धर्मराज का बेटा है क्या? तेरी तो, तेरा बाप मामूली इंसान नहीं है। जब हम स्कूल नहीं जाते तो पिछवाड़ा सूजा देता था उसकी तो, इसके बाप के डर से मैंने स्कूल ही बदल दिया था। कौन से काम से आए रहे यहाँ पे? भाई वो खुशी फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की 2 टिकट चाहिए थी भाई। जबरदस्त बेटा पैदा हुआ है धर्मराज का, पूरा गांव जब मेहनत करके कमा रहा है तब ऐसे लोगों को बिना कुछ किए ही हलवा चाहिए। भाई भाई भाई, प्लीज भाई बस 2 ही टिकट तो चाहिए, प्लीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किस खुशी में तुझे टिकट दूं? मतलब धर्मराज का बेटा बोल के मैं तुझे टिकट दे दूं? तुझे आते ही टिकट दे दूं तो ये सब लोग सामने बैठे रहेंगे क्या? भाई मैं इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा पवन कल्याण का फैन हूँ। चुप चुप चुप, तू क्या इतनी बड़ी तोप है क्या बे? चल ठीक है, तू बड़ा फैन बोलता है ना खुद को। पवन कल्याण की अभी तक की सारी फिल्में एक लाइन में बता दे चल, और वो भी बिना सांस रोके हुए चल। इसने तो सुपर क्वेश्चन पूछा है भाई। अकड़ाम्मा गोकुलम सीता सुस्वागतम थोली प्रेमा थ्रुम्मम बद्री खुशी। वो तो ये भी बता देगा। हा? चल अब उल्टा बता। सही उल्टा बात। खुशी बद्री थोली प्रेमा सुस्वागतम गोकुलम सीता अकड़ाम्मा। बाप रे, इसने तो करके दिखा दिया। टोली प्रेमा मूवी कितने सेंटर में 100 डेज तक चली थी? 24 भाई। अरे बाप रे, अकड़ा मई इकड़ा भाई मूवी में पवन कल्याण के हाथ से होते हुए कितने टायर गुजरते हैं? भाई ना, आगे के टायर या फिर पीछे के टायर? अबे सभी मिलाकर। आगे के टायर, पीछे के टायर, कुल मिला के 6 टायर भाई। ठीक है चल, लास्ट का टफ क्वेश्चन, अगर ये बता दिया तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, फिर तू टिकट ले जाना। भाई भाई, पवन कल्याण के भाई का नाम पूछो। अब ये टफ है क्या बे? पवन कल्याण के भाई का नाम पूछने के लिए कह रहा है? अच्छा, पवन कल्याण की हाइट नहीं, ये बता देगा, डेट ऑफ बर्थ बता। चल भैया, मैंने जो पूछा था उससे ज्यादा इजी है ये। सुन ले रे, सुन लेना, 2 सितंबर 1971 है ना भाई? इंग्लिश में नहीं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बता। वाह, क्या सवाल किया है भाई आपने। 2028 सौवत, कर्क राशि, मृग शीरा नक्षत्र, चौथा भाव, दोपहर 11:20 पर पैदा हो गए थे भैया। अरे लास्ट में जो 2 टिकट बची थी लेके आ। ठीक है भाई, ऑफिस रूम में रखना, अभी लेकर आता हूं। यहाँ पर कैसे पैदा हो गया तू? मेरे बाप का बेटा बनना चाहिए था रे। अरे मेरे मरने के बाद यही है। हाँ सही कहा भाई आपने। अरे जो किया था रे, इमोशनल फूल्स, जस मेरा वारिस है कह रहा हूँ। अरे भाई कितने दिन हो गए आपसे मिला ही नहीं, अर्जेंटली मुझे 2 टिकट दे दो। अरे अभी थोड़ा सा मुश्किल है, टिकट विकेट कुछ नहीं है, चल निकल। अरे वो तो रहा भाई टिकट, वो लास्ट 2 टिकट बची हैं। धर्मराज के बेटे को मैंने अपनी जुबान दी थी इसलिए दे रहा हूँ, तू जा, मैं बाद में मिलता हूँ तेरे से, जा। मतलब मुझसे बढ़कर ये है कि आपके लिए इतना भी क्या है कि लफड़ा कर रहा है, चल यहाँ से। एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। भैया वो दिला दीजिए ना टिकट भाई। दे दो भाभी, आप मुझे कब से जानते हो भाभी? वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे कब से जानती हो, है ना? अब आप मुझे इतने टाइम से जानती हो तो वो मेरे भाई हुए ना,
रवि भाई मेरे भाई जैसा है वो, हम दोनों बचपन से साथ खेले और बड़े हुए, ऐसे में वो मुझे छोड़कर कल परसों पैदा हुआ इस बच्चे के लिए मेरे हिस्से की टिकट दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा था, अरे रमेश जाकर मशरूम ले आओ, तो मैं बारिश में बिना चाहता गया ना मशरूम लेने और आपके लिए मशरूम लेकर आया। भाभी बात करो, भाभी बताओ। बिल्कुल भी नहीं, आपके हाथ का नमक और दाल खाया मैंने, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है भाभी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, बात कर लो भैया, भाभी आपसे बात करना चाहती है। ठीक है बताओ। हाँ ये यहाँ पर यहाँ पीने के बाद आया, वही तो बता रहा हूँ मैं। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बात वो नहीं, बात अरे वो नहीं, बात दे दूंगा, अरे दे दूंगा ना, दे दूंगा, अरे कह रहा हूँ ना दे दूंगा, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं वादा कर रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा। अरे क्या कह रही हो, तेरे मन से है ना, दे दूंगा, हाँ दे दूंगा भैया। भैया वो मैं भाई टिकट भैया, टिकट भाई भैया, रिश्ता इम्पोर्टेंट है, टिकट का क्या है, अब ज्यादा मत बिना लीवर खराब हो जाएगा। आ गए, कहाँ से आ रहे हो सपूत? डैडी मैं कॉलेज के बाद रघु के घर चला गया था, वहीं से आ रहा हूँ। शाम को ठीक 5 बजे कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या खा रहा था, कुछ जवाब देगा? हाँ? सीनू घर पर नहीं आया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया, बेचारा कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा। कुछ नहीं, आपसे कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ? वो थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दिया था। कहाँ, लाइब्रेरी में? नहीं, बेकरी में बैठकर मजे से केक खा रहा था। आपका बेटा और रघु दोनों खाते खाते इंग्लिश गाने पर झूम रहे थे। आज केक खाएंगे, कल सिगरेट, परसों दारू, और वो भी कम पड़ गया तो फिर ड्रग्स शुरू। आज इंग्लिश गाने पर झूम रहे हैं, मतलब कल बार, डिस्को, पब, लड़कियाँ। अरे हमारे जमाने में ऐसा होता था क्या सर? इनको अपने बड़ों से डर ही नहीं लगता है। मैं पेरू, इतना सा पेरू खाने के लिए भी पिताजी से परमिशन लेता था, और आजकल के लड़के बिना डर के केक खाते हुए इंग्लिश गाने पर झूमते हैं, और पवन कल्याण की फिल्म की टिकट कैसे लेकर आए बैठकर ये प्लान बनाते हैं। डैडी मैं तो बना कर रहा था डैडी, लेकिन रघु ने मुझे खिलाया, मुझे नहीं पता कि ये सब आपको नहीं पसंद है। अरे तूने कूल केक खाया, इस बात पे गुस्सा नहीं हूँ मैं, वो स्टेज तो तूने बहुत पहले ही पार कर ली। कूल केक खाते हुए क्या बात कर रहा था, मुझे बस इसी बात की चिंता है। डैडी वो केक कैसा था मुझे नहीं पता था। कैसा था नहीं पता तुझे? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, एक टिकट के लिए पूरे शहर के चक्कर काट के मेरी इज्जत उतारने का प्लान किया था ना? डैडी छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है डैडी। इतनी इज्जत उतारी काफी नहीं था क्या, और कहाँ तक प्लान किया ये बता। सुबह सुबह तुझे कितने प्यार से समझाया था, मुझे प्यार से समझाओ तो तेरे समझ में नहीं आती ना। अब अंदर जाओ, अंदर ही बंद रहना, खाली पेट रखूंगा तुझे। सुनो अगर इसे रात को खाना दिया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर मेरे पैर तोड़ दोगे तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? तू और तेरा बेटा दोनों बहुत बकबक करते हैं। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी जबान बड़ी अच्छी है। हाँ? उल्टा जवाब दे रही है। उल्टा जवाब नहीं दूंगी तो क्या गाना गाऊं तुम्हारे लिए? मैं तुझे छोड़ूंगा। दादागिरी, मैंने रघु के घर खाना खा लिया है, झगड़ा मत करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोने दीजिए बस। अरे अबे कौन है डिस्टर्ब कर रहा है सुबह सुबह? ए ना, ए क्या है बे? तेरे लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है रे? सुरेश का दादा मर गया। क्या बकवास कर रहा है?
सुरेश का दादा मर गया है तो ये गुड न्यूज कैसे? थिंक यस, चल 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 चल, बेचारा हमारे लिए ही मरा है। अरे सुरेश के पास दो टिकट है, दादाजी मर गए हैं तो दादाजी डिलीट, और एक टिकट बच गई। अब दादाजी मरे हैं तो फिल्म देखना सही नहीं रहेगा, और इसीलिए सुरेश भी फिल्म देखने नहीं जाएगा। अब सुरेश भी डिलीट, अब टिकट भी तेरी और लड़की भी तेरी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है तेरे लिए? बोल बोल बोल। अरे आओ आओ आओ, नाश्ते में यहाँ वड़ा पाव और इडली है, आपको जो चाहिए खा कर जाओ। बहुत जल्दी छोड़ कर चले गए, अभी तो उनकी उम्री क्या। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, हमारे घर आके खाना भी खाया था उन्होंने, तब तो वही खा कर मर गए शायद। आप सबको खाना ही होगा, बिना खाए जाओगे तो दादाजी को बुरा लगेगा। अरे अरे अरे, इस वक्त पटाखा क्यों फोड़ रहे हो? इसकी जरूरत अभी नहीं है यहाँ, बड़ी जल्दी है तुम्हें। छी, कुछ करने ही नहीं देते आप, इससे अच्छा तो मैं स्कूल चला जाता। जाकर क्या तीर मारेगा? पैसे कहाँ रख कर चले गए पता नहीं, मुझे एक भी रुपया नहीं दिया, ये सारा खर्चा अपनी जेब से कर रहा हूँ। माँ शांत हो जाओ, बस हो गया। वो तो यहाँ पहले से है। जो हो गया सो हो गया, अब उन्हें वापस तो नहीं ला सकता। मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे पीछे आ जाती है भाई। तेरे पीछे नहीं आई है, वो सुरेश के रिलेटिव है। हम्मे की तरह बीच में क्यों खड़ी है? चल, कॉलेज का टाइम हो रहा है, रो रो कर मेरा सिर दुख रहा है, चल जल्दी। अच्छा, अरे तू यहीं पे रह, तब तक तो उसके ऊपर नजर रखना, तब तक मैं जाके सुरेश से टिकट लेके आता हूँ। सुबह सुबह खबर मिली कि नहीं रही? सुरेश कहाँ है? सुरेश क्या करे, क्या कह सुरेश मेरे भाई, ये क्या हो गया सुरेश? दादाजी हमें छोड़ के चले गए सुरेश, एक हफ्ते और रुक जाते तो उनका 95 पूरा हो जाता। क्या हो गया ये? भगवान भी ना अच्छे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेता है, बहुत जल्दी। अब तो खुश है ना, पेट भर गया ना आपका? आपसे ही कह रहा हूँ, मेरे दादा भी बहुत जल्दी चले गए थे, पता है तुझे? 97 साल की छोटी सी उम्र में। तेरे दादा ने तो तेरी शादी भी नहीं देखी सुरेश। ये शादी में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। हाँ चल ठीक है, खुशी फिल्म देख के बिना चले गए तेरे दादाजी यार। कल ही तो मैं उनसे मिलने आया था, कितने खुश थे, डांस कर रहे थे वो, याओ ऐसे अचानक से टपक जाएंगे मुझे नहीं पता था यार। खुशी फिल्म देखने की बड़ी इच्छा थी दादाजी की, लेकिन बेचारे बिना खुशी के ही मर गए। तूने तो उनके लिए खुशी फिल्म की टिकट भी निकाल के रखी थी यार। हाँ यार, बेचारे पवन कल्याण के लिए पागल थे, रोज रात को ऐसे हाथ रखकर सोया करते थे। पहले लगा गले में दर्द रहता होगा, फिर बाद में समझ आया कि ये सब पवन कल्याण का पागलपन है। अच्छा होता कि बेचारे उनकी फिल्म देखकर ही मरते, अब टिकट पड़ी है उसका क्या फायदा? टिकट टिकट कहाँ है? उनके पास है ना, छुपा कर रखते थे, रोज उसे अपनी जेब में रखकर ही सोया करते थे। ऐसे रखा ऐसे सो गए, फिर उठे ही नहीं। मतलब अभी वो टिकट उनके उनकी उनकी जेब में, वो टिकट अभी भी उनकी जेब में है। उन्हें बस ये फिल्म देखकर मरना था, जल्दबाजी थी। यार तू बहुत वीक हो गया, जाके पहले कुछ खा ले, मैं तेरे दादाजी के पैर छू के आता हूँ। दादाजी का है, पैर छूने हैं मुझे दादाजी। बड़ा इंसान था, बड़ी छोटी गाना गाते।
हे भगवान, तूने क्या किया, छोटे से उम्र में उठा लिया, बेसहारा बेबसी का मारा, तू मुझे बहुत याद आएगा, सबको छोड़ के चला गया, तेरे बिना कैसे जिएंगे, जब तू खुश रहे तू, हे भगवान तूने क्या कर दिया। चलो सब लोग बाहर जाओ, दादाजी को हवा नहीं लग रही है। अरे जब दादाजी हवा में मिल गए हैं तो अब हवा का क्या करेंगे वो। भैया के जाने के बाद एक निवाला तक मुंह में नहीं जा रहा। हाँ नाश्ता आ गया है क्या? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, सबको बताता हूँ। जल्दी ही मुझे अपना काम निपटा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। दादी, अरे बाहर जाइए, नाश्ता करिए ना। अरे दादी बाहर जाइए, अरे इडली है, मसाला डोसा, बहुत कुछ है, जाइए नाश्ता कर लीजिए। दादी सीनू, तू है क्या, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। वो इडली और डोसा खत्म होने से पहले अगर तू ला कर दे देगा तो थोड़ा सा मैं भी खा लूंगी बेटा। मतलब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है दादी? मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, चश्मा लगाना चाहती हूँ पर चश्मा ही नहीं मिल रहा। तू ढूंढ कर ला देगा तो पहन लूंगी, थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा मुझे। मैं ला के देता हूँ, आप यहीं बैठे रहिएगा, ठीक है? यहीं पे बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं आप, मैं लाता हूँ, लाता हूँ। यहीं पर रहूंगी। चुप रहिए ना, ढूंढ रहा हूं मैं। ढूंढ ना जल्दी। क्यों रे, क्यों मरे हुए दादाजी की जेब में हाथ डाल रहा है तू? आपका चश्मा ढूंढ रहा हूँ। चश्मा मैंने ढूंढ लिया। तेरी तो आंखों में लाल मिर्च डालकर तुझे मारना चाहिए। क्या हो गया? दादाजी को देख कर आता हूँ कहकर गया था वो। सीनो अरे कौन है यहाँ पर, बम क्यों फोड़ रहा है? जंगली कहीं का? हाँ? गंगा बुआ, ये क्या हो गया? गंगा बुआ क्या हो गया आपको? ए क्या कर रहा है, छोड़ इन्हें। सुरेश देख गंगा बुआ को क्या हो गया है, जल्दी आ, जल्दी कर। अरे चुप कर तू, इसी बच्चे ने बाहर पटाखा फोड़ा तो मैं डर गई और सीनू ने भागते हुए आकर मुझे पकड़ लिया। और कुछ नहीं, चलो चलो टाइम हो गया है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे मल्ली क्या देख रहा है, अगरबत्ती फूल माला सब कुछ लेकर आओ। अरे क्या है ये, अरे तू ऐसे पुतले की तरह खड़ा क्यों है? अरे चल काम कर, काम कर। अच्छे हाँ, बेटे हाँ, अब कैसे किया? चलो दादाजी जा रहे हैं, तुमको चलो। भैया मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ती हूँ, चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
चलो यहाँ से उठाओ। अरे मेरे भैया को मत ले जाओ। भैया आ जाऊँ क्या वहाँ? आ जाता हूँ। सुन, लगता है ये लोग लंच भी नहीं देंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे तू रुक जाना यार, टिकट है। क्या टिकट? तेरी तो पागल है क्या? अगर यहाँ पर कुछ लफड़ा हुआ और ये बात तुम्हारे बाप को पता चली तो हम दोनों को यहीं पर काट देंगे, समझ गया? रुक जाना यार। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, दादाजी को नहलाना है, समय कम है। भाई घर से ही नहला करके तो यहाँ लाते हैं, यहाँ पर क्यों नहला रहे हो? क्या कह रहा है तू? इस गांव में ऐसे ही करते हैं, पकड़ो समय बीता जा रहा है। मैं नहला दूंगा। दादाजी 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 को मैं नहलाऊंगा। दादाजी दादाजी को हम लोग दादा को नहलाने के लिए पानी लेकर के आते हैं, चल रखो। क्या कह रहा? हाँ चलो चलो चलते। सीनो क्या कर रहा है तू? कहीं नहीं जा रहा हूँ, वो बस पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। दादाजी के लिए सब कुछ तू ही कर रहा है, घर से लेकर शमशान तक तूने ही कंधा दिया। क्यों सुरेश, तूने अपने दादाजी के लिए क्या किया बता? सब कुछ सीनू ही कर रहा है, नालायक। वहाँ पानी के बर्तन रखे हैं, दोनों जाकर पानी भर के ले आओ। जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ आ सीनू, हम दोनों दादाजी के पास ही बैठेंगे। ये कब मरेगी बुढ़ी? सोन पापड़ी किसी को दिए बिना कितने मन से खाते थे। जाने दो, वो ऊपर ही पी लेंगे। और कुछ रखना है क्या जो दादाजी को पसंद था? सिनेमा तो उनकी जान थी ना। अरे ठीक है, फिल्म जान थी, लेकिन उसे अंदर कैसे रखेंगे? सिनेमा नहीं, फिल्म की टिकट रखो इनके लिए, टिकट रख दो इनके साथ। हे भगवान, अभी के अभी फिल्म का टिकट कहाँ से लेकर आएंगे? अरे वो सीनू के पास कुर्ते में है, ले लो। ए सीनू, दो टिकट दो। अरे दे इधर दे। अरे दूसरा दिला देंगे। दे दे दे, ये पकड़, डाल दे। अरे जेब में है ना, ठीक से देख ले। हाँ उसे अच्छे से डाल देना उधर। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भगवान, हाँ डालो डालो, अब मिट्टी डालो, चलो सब लोग डालो डालो। सीनो अपने हाथों से दादाजी के ऊपर मिट्टी डाल दे। सीनो जब से दादाजी गए हैं तब से तू रो रहा है, और ये सुरेश तो कितना पत्थर दिल पैदा हुआ है, आग लगे तेरी जिंदगी को, तेरी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी है। कितना पत्थर दिल है तू, रे अपने दादाजी के लिए रो भी नहीं पा रहा है। क्यों रे सुरेश, मूर्ति की तरह ऐसे खड़ा क्यों है? कांड कहीं का, मेरे सीनू को देख कितना रो रहा है। चुप हो जा सीनू, दादाजी कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर है। हाँ?
अरे अरे सीनू, क्या कर रहा है? पेप्सी देता हूँ, कुछ भी पिए जा रहा है, पेप्सी ले लेना। अरे सीनू, अरे अरे क्या कर रहा है तू? अरे पागल हो गया है क्या? अरे भाई वो पेप्सी नहीं है, मत पी मत पी। अरे यार सुनना, रे 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 रे, तू मेरी बात तो सुनना, आखिर क्या हो गया है तुझे? ये अचानक इसको क्या हो गया? सीनू सीनू, अरे सीनू तू क्या सोच रहा है यार? नहीं सीनू, नहीं सीनू, ए सीनू नहीं, रुक जा रुक जा। थैंक्स यार, जबरदस्त पार्टी अरेंज की है। हाँ भाई, वैसे भी तुम्हारे भैया को स्टेट में रैंक मिली, ये सुनकर हमें भी बहुत खुशी हुई। इसीलिए चीयर्स। नारायण खेड़े के बच्चे तो बच्चे ही हैं। करेक्ट। बाहर के लड़के कैसे होते हैं? पीते हैं, घूमते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, कुछ लोग तो लड़कों के साथ भी घूमते हैं। पर हमारे नारायण खेड़ के बच्चे तो 9 बजे के बाद बाहर बुलाने पर भी नहीं आते। कुछ भी कह लो यार, अपने लड़के तो जेम्स हैं। जेम्स हाँ, जेम्स जेम्स। अरे जेम्स यहाँ कहाँ जा रहा है? पता नहीं। हाँ? सूरज के पिताजी को मरे हुए तो अभी एक ही दिन हुआ है, वो भूत तो नहीं बना होगा ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, और फिर कौन सी उनकी इच्छा अधूरी रह गई? अरे वो दादाजी की फिल्म देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है ना? हैं? एक दिन में कोई भूत बन जाता है क्या? कम से कम 4-5 दिन लगते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है। वैसे अभी तू भूत के बारे में क्यों बात कर रहा है? अरे पता नहीं सीनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे मैं हूँ ना रघु, क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचता है? ऐसी जगहों पर तो वैसे भी रात में भूत घूमते हैं, और तू मुझे सीधे यहीं पर ले आया। अबे एक गधे, अगर चप्पल निकाल कर बगल में रख देंगे ना तो भूत हमारे पास नहीं आएंगे। भूत की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बे। अरे सीनू, तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे लग रहा है क्या? नहीं मुझे नहीं लग रहा है यार। अरे एक चप्पल दे देना। तेरे पास नहीं है क्या? तेरी चप्पल कलरफुल है, बहुत पावरफुल है, तेरे लिए एक ही काफी है, मुझे एक दे दे यार। चुप रह, दूर हट दूर हट। तेरी तो, अगर मैं अपनी पुरानी सैंडल लेकर आता तो अच्छा होता। पकड़ 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 से। क्षमा करिएगा दादाजी। ये भेड़िया सोते नहीं है क्या रात में? भेड़िया शायद लाइट देखकर जग गया होगा। मिल गया क्या? ढूंढने में और कितनी देर लगाएगा? अरे मुझे ठंड लग रही है यार। अरे ये तो दारू की बोतल है, बीड़ी। अबे राघव टिकट मिल गया। ए राघव कहाँ भाग रहा है? राघव सुनना, ए राघव टिकट मिल गया यार, कहाँ भाग रहा है? अरे कौन है बे, एक कौन है? हे ए इतने दिनों से लाशों की चोरी करने वाला तू ही है क्या? रुक जा, अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरना इसी को कहते हैं। सर 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 सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, सर आप गलत समझ रहे हैं। शमशान में चोरी करते हुए पकड़ा गया वो युवक कैसा है बताएगा ना? अच्छा नहीं है सर। कोई पंच मिस हो रहा है सर। हाँ तो अब ये हाँ, बोलिए ना सर। नारायण खेड़ में आधी रात बड़ा कांड करने वाला, खुदाई करने वाला गणेश। गणेश ही नाम है ना तेरा? मेरा नाम सीनू है सर। मेरे पापा को पता चला तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, प्लीज सर। सर क्या कमी रह गई थी सीनू, क्या कमी रह गई थी बोल, जो लाशों की हाथों से अंगूठी चुराने की नौबत आ गई तुझे? बता बता।
नहीं, मैंने इसलिए खुदाई नहीं की डैडी, वो मैंने खुशी फिल्म के टिकट के लिए खुदाई की थी डैडी। अरे अगर तू लाशों की हाथों से अंगूठी चोरी करता फिर भी मुझे इतना दुख नहीं होता। उस बेकार फिल्म की टिकट के लिए, जो देखना नहीं चाहता था उस फिल्म की टिकट के लिए तूने 100 गुना बुरा काम कर दिया। ऐसा करने से पहले सोचना तो चाहिए था। छी, क्या जिंदगी हो गई। सर, जाने दो सर, मत मारिए उसे। सर मेरा एक ही सवाल है, मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। हाँ, पूछे ना। अरे सीनू, अगर तू फिल्म नहीं देखेगा और परसों देखेगा या फिर बाद में देख लेगा तो क्या फिल्म का हीरो बदल जाएगा? हीरोइन बदल जाएगी? स्टोरी बदल जाएगी क्या? हैं? अरे कुछ तो बता मुझे। खुद के बेटे को समझा ना पाऊं ऐसा बाप बन जाऊंगा, इस बात का डर लग रहा है मुझे। अब सुनिए, एज ए रेस्पेक्टेड हेडमास्टर ऑफ ZBSH नारायण खेड़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर। ये मेरा खुद का बेटा अगर पवन कल्याण की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखेगा तो मर नहीं जाएगा। मैं प्रूफ करूंगा ये बात, मैं दुनिया के सामने प्रूफ करूंगा कि कल सुबह फिल्म रिलीज होगी लेकिन ये कल दोपहर को रिलीज होगा। ओके सर, आप कल दोपहर तक इसे जेल में ही रखना। अगर पवन कल्याण की फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखेगा तो भी दुनिया गोली रहेगी, आसमान नीला ही रहेगा, 5 तत्वों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। ये प्रूफ करने के बाद ही मैं पिता के तौर पर सोसाइटी में ढंग से खड़ा रह पाऊंगा सर। आपसे बस एक ही विनती है सर, आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, प्लीज सर। नहीं सर, अरे आपके शिष्य हैं हम लोग, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या जरूरत है, हम देख लेंगे कल दोपहर तक। मैं शब्द देता हूँ कि इसे दोपहर तक नहीं छोड़ूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आप घर जाइए। थैंक यू सर। निश्चिंत होकर जाइए। एक बाप अपने बेटे को खुद पुलिस में सौंप रहा है, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। डैडी ऐसा मत करिए डैडी, कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। सर इस समय भी क्या वो रोते हुए जा रहे हैं? इज्जत से बात कर, मुझे पढ़ाने वाले गुरु है मेरे, गुरु दक्षिणा के तौर पर इनके बेटे को कल दोपहर तक जेल में रखूंगा, ये प्रॉमिस किया है। समझ नहीं पाया सर। इसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था तो फिल्म टिकट के लिए शमशान में जाकर लाश को बाहर निकाल रहा था। फिल्म के टिकट के लिए कब्र खोद डाली? किसकी फिल्म है सर वो? पवन कल्याण सर। चुप, इतने महान आदमी का बेटा होते हुए ऐसा काम करता है? पंडित का बेटा चोर निकला। करेक्ट सर। एकाशी सर, गाड़ी निकाल। ठीक है सर। मैं हूँ। टिकट चाहिए कहा था ना तुमने कल मॉर्निंग शो का, मंगवा लिया, आ रहा हूँ, तैयार रहना। ए सतीश सर, चलता हूँ मैं। ठीक है सर, दोपहर को छोड़ना इसे। सर सर सर, घर से अच्छी नींद तो मुझे पुलिस स्टेशन में ही आती है। बीवी का सर का दर्द मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। शादी के बाद 3 सालों तक मुझे नींद नहीं मिली, इसीलिए नाइट शिफ्ट लगाकर यहीं सोता हूँ। अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, अब नींद अच्छी आएगी। मारो मस्ती मारो। We'll be right back.
सर सर सर, अरे क्या है, जान खाया जा रहा है, सो जा यार। सर सर प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए सर, फिल्म देखने जाना है, टिकट का इंतजाम करना है, प्लीज सर। एक, अरे क्या अल्लाह मचा रहा है, मुझे छोड़ दीजिए सर, फिल्म देखने जाना है, मुझे टिकट लेने जाना है। अरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखेगा मर जाएगा क्या? अरे ये क्या है सर, हा? हर कोई यही डायलॉग मारता है, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। हाँ मर जाऊंगा सर, अगर पवन कल्याण की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। अगर मैंने अपने फेवरेट हीरो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा तो पता है क्या हो जाएगा, जिंदगी भर मैं खुद को कोसता रहूंगा और कोसते कोसते मैं मर जाऊंगा सर। आप नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते। जानता हूँ यार, क्योंकि मैं भी उसी का फैन हूँ यार, पवन कल्याण का फैन। 1993 की बात है, मित्रोबा फिल्म का रिलीज, तब मैं नारायण खेड़े के बाबू फैन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था और उस समय फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का रिकॉर्ड था मेरा। असल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखने की फीलिंग मैं सहन नहीं कर पाया, शोज मैं छोड़ नहीं सकता था, शो देखने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, शर्ट फट गई, मैं पागल हो गया, घायल हो गया, गला पकड़कर बाहर धक्का दे दिया, मैं दीवार से टकराया, अंदर शो चल रहा था, पूरी इज्जत चली गई। एक महीना नरसिम्हा फिल्म में दामोदर सिन्हा की तरह मैंने एक महीने के लिए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। एक समय में महान कलाकार था, मैं महान अभिनेता था, नारायण खेड़े में मैं स्टेज पर जब चढ़ता था नाटक करने को तो पूरा शहर खुशी से नाचने लगता था। एक पुरावा फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिला, इस दुख से बहिर्वादीपम के बालक मिष्ठान की तरह आयुष हुआ, दुखी हुआ, पाहिज हो गया, बस खत्म, जीना छोड़ दिया, नाटक भी छोड़ दिया। मुझे कब छोड़ेंगे सर, कोई लड़की देने के लिए आगे ही नहीं आया। मेरे पिता ने न जाने कितनों के पैर पकड़कर मुझे हेड कांस्टेबल बनाया, और मुझे पकड़कर तू मुझसे ये पूछ रहा है कि वो कौन है? सर जब आपको इतना पता है तो मुझे छोड़ दीजिए ना सर, मैं सिनेमा हॉल जाके टिकट ले लूंगा सर, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए ना। किस दुनिया में है यार तू, अभी टिकट कौन देगा, सोच रहा थिएटर जाकर ट्राई कर लूंगा, वहाँ जनता तुझे पकड़कर चटनी बना देगी। 93 में मुझसे नहीं हो पाया तो उससे क्या हो पाएगा, बच्चा है तू अभी। सर चाहिए तो मैं फिल्म देख के दोबारा आ जाऊंगा। मैंने सर को प्रॉमिस किया, दोपहर से पहले नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने एक लड़की को प्रॉमिस किया है सर। लड़की? कौन सी लड़की? सर मेरे कॉलेज में लता नाम की एक लड़की है सर, बहुत अच्छी है सर, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है सर, और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है, मेरा फर्स्ट लव है सर। मैंने उसे खुशी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने के लिए बोला है सर, हमने सोचा था दोनों साथ में फिल्म देखेंगे, और मैंने उससे वादा भी किया था कि मैं टिकट लेके आऊंगा। सेम स्टोरी, अगर मैं नहीं गया तो वो क्या सोचेगी सर? पागल लगता है, मैंने सोचा कि मैं ही अकेला पागल हूँ, चल चलना, क्या हुआ, चल जा जा जाकर सच बोल, क्या ये सच है? सच बोल कि टिकट नहीं मिला, जा। थैंक यू सर। उसके लिए तुमने जो किया है वो महान कार्य है, तू उसे प्यार करता है ये बात उसे बता, जीत की तरह झूठ बोलकर प्यार करता है क्या? सच बोलकर प्यार कर, तभी सच्चा प्यार बाहर आएगा, अगर नहीं है तो वो सच्चा प्यार नहीं है, वो झूठ का प्यार है। लगता है जरूरत नहीं। अरे वही झूठ बोलना। नहीं सर जरूरत नहीं। अरे नहीं सर, नहीं सर की जरूरत नहीं है। अरे नहीं जरूरत। अरे तो फिर जाना, एक फोन करके जाता हूँ सर, जो भी होगा देखा जाएगा। हेलो। हेलो लता। सीनू। अरे लता तुमने तो मेरी फीमेल वॉइस भी पहचान ली, इतना प्यार करती हूँ। पहले वो वॉइस बदलो। सॉरी। वैसे तुमने इस समय घर पर क्यों कॉल किया है? 10 मिनट में ट्यूशन जा रही हूँ मैं, अभी वहां पर मिलते हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कहा उसने? सर हाँ। वो 10 मिनट में ट्यूशन के रास्ते में मिलने को हाँ। बोली है। मैं जाऊं सर? ऑलरेडी 1 मिनट हो गया, चल जाना, जाकर सच बता, क्या कहेगा? सच है सर, सच पवित्र होता है। हाँ ऑटो ऑटो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, बबीता ट्यूशन सेंटर के पास छोड़ देना प्लीज। ठीक है बैठ जाओ। वहीं वहीं ब्रिज के पास, 2 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है, वापस भी यहीं आना है। अरे भाई क्या हुआ भाई? अरे मैं हूँ भाई, पहचाना नहीं क्या? बद्री फिल्म में तुम्हारी शर्ट फट गई थी तो मैंने अपनी शर्ट दी थी ना। ओ भाई आप हो क्या? शर्ट घर पे है, कल दूंगा। अरे हम दोनों पवन स्टार के फैन है तो शर्ट क्या चीज है? कल सुबह फिल्म रिलीज है इसलिए अमलापुरम से आया हूँ देखने के लिए। क्यों
अमलापुरम में टिकट नहीं मिल रही है क्या? अमलापुरम में टिकट क्यों नहीं मिलेगा, वो कोई आम शहर नहीं है। थिएटर के पास जनता कुचल देगी, क्या करें, यहाँ पर इजी होगा ना, इसलिए आया हूँ। मेरे जीजू है ना, उन्होंने टिकट ले रखी है, दे देंगे। आपके जीजा कौन है? मिट्टापुल रवि है। मेरे जीजू ने मेरी बहन से शादी की है। मेरी बहन, मेरी माँ और मेरा बाप, मेरे बचपन में सभी ने नारायण खेड़ में अपना रास्ता बना लिया। तो मैं अकेला वहाँ अमलापुरम में पला बड़ा अपने दादाजी के साथ, पवन कल्याण की फिल्में देखते हुए। अरे भाई राइट लेना, राइट। हाँ घर आ गया, रुक जा यहीं। बस बस ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं थिएटर के पास। आओगे ना? नहीं भाई, टिकट नहीं है, अब नाइट में ही जाऊंगा सोच रहा हूँ। टिकट नहीं है? एक पवन स्टार पवन कल्याण के फैन है, ऐसी बात करते हैं क्या? लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्लानिंग होनी जरूरी है। चाहे प्लानिंग के बिना कैसे जीते हैं यार ये लोग। दीदी, दीदी, जीजू, जीजू, क्यों दीदी सूख गई हो? हाँ जीजू ख्याल नहीं रख रहे हैं क्या? गरम पानी कर दो ना दीदी, बहुत टायर्ड हो गया हूँ जर्नी में। अरे बाप रे, मिठाई टूट गई होगी। उस दिन राखी बंधवाने क्यों नहीं आया था? मैं कहा था ना दादाजी की तबीयत ठीक अच्छा, नहीं थी दीदी। ऐसी बात है, तो पिछले हफ्ते छोटू के बर्थडे पर क्यों नहीं आया? वो मैं आना तो चाहता था दीदी। उससे पहले घर में पूजा थी, उसके लिए क्यों नहीं आया? और उससे पहले सत्यनारायण की कथा, उसमें क्यों नहीं आया बता? चुप, क्यों जान खा रही हो मेरी? जब हो पाया तब आ गया ना, अभी तो आ गया ना मैं। बिल्कुल सही कहा, जब हो पाया तब आ गया। तम्मू रिलीज पर आया था, बद्री रिलीज पर आया था, और अब देखो खुशी की रिलीज पर आया है। पवन कल्याण की फिल्म की टिकट के लिए आया है ना, लेकिन कभी अपनी दीदी और जीजू के लिए नहीं आया। चल निकल, निकल यहाँ से। दीदी बस एक बार जीजू से बात करके आता हूँ, सर फोड़ दूंगी तेरा। निकल, निकल यहाँ से, दोबारा अगर यहाँ है ना तो पैर तोड़ दूंगी। जा निकल। दीदी जा, तीनों मिलकर सुबह सुबह फिल्म देखने चलते है ना, दोबारा आया तो जान से मार डालूंगी। दीदी की भी प्लानिंग नहीं है। अरे ये पवन कल्याण के एंट्री पर उड़ाएंगे, और ये वाला जब गाना बजेगा तब उड़ाएंगे, इसीलिए पतला कट करना, ठीक है? एक ही बार में सब खत्म मत करना, वैसे भी तो बहुत जल्दी बैग जाता है। इसको दिमाग कम है, पागलपन ज्यादा। सेकेंड हाफ में जब सबके पेपर खत्म हो जाएंगे तब हम सू करके उड़ाएंगे, और किसने फेंका ये देखने के लिए लोग पीछे मुड़ेंगे, यही हमारा टारगेट। वो तो ठीक है भाई, पर हमें यहाँ चोर की तरह क्यों बैठा के रखा है? हर बार तो आपके घर पे बैठ के हम लोग ये पेपर कट करते थे ना। कल मेरे भांजे के साथ बैठकर हिंदी इंडस्ट्री को ऊपर कैसे लाएंगे बात कर रहा था, तो उसमें मेरी बात आ गई। मैं हमेशा फिल्म फिल्म करता रहता हूँ, कभी भी पढ़ाई के बारे में बात की है क्या? और वैसे भी तुम लोगों ने कहा तभी डैडी खुशी फिल्म में पवन कल्याण ने कितनी पढ़ाई की है, ये बात उन्होंने पूछी। फिर उसके बाद मेरे बाप ने मेरा गला पकड़ा, मुझे खींचा और घर से बाहर निकाल दिया। दैट्स व्हाई आई एम हियर। वैसे तुम बहुत होशियार हो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते हो, फिर भी तुम्हारे पिता क्यों डांटते हैं हमेशा? तुम टेंथ में फर्स्ट क्लास आए थे ना? नहीं यार, टेंथ में टेंथ क्लास ही था भाई। अच्छा ये खुशी फिल्म का नाम खुशी क्यों रखा गया बताइए तो? बताओ, बताओ ना भाई। नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, तुझे पता है क्या? तुझे भी नहीं पता है ना, सबको सब कुछ नहीं पता होता यार, बहुत रेयर बात है। एक ही इंसान है, हमारे गुरु संगम भैया, एकदम जीनियस है भैया। भैया को सेवेंथ क्लास में ही एट्थ क्लास की टीसी देकर भेजा गया था, इतने ग्रेट है हमारे भैया। इनसे पूछते हैं, भैया, ओ भैया, अरे भैया मेरे लोग कुछ पूछना चाहते हैं। भैया हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ओ आइंस्टाइन के भाई यहाँ आओ, कुछ पूछना चाहते हैं। अरे संगम भैया, जरा आप ये तो बताओ इस खुशी फिल्म के पीछे की कहानी क्या है? जो पूछ रहे वो नहीं बताऊंगा, जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा। ए, उठ भाई, भाई उठ गए, मतलब कोई अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। वेंकटेश की नई फिल्म आ रही है, हाँ, अगर तुम लोग चाहो हाँ, तो मैं उसकी स्टोरी बता सकता हूँ। बताओ भैया। वायलेंस। हाँ? वायलेंस मतलब कैसे बताऊँ तुम लोगों को, इंग्लिश आती नहीं है। हिंसा, हिंसा यार। हाँ, हिंसा। वायलेंस मतलब हिंसा। वेंकटेश आरती के पास आकर बोलता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ, थोड़ा नीचे। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ डाला तो मैं उसे मार डालूंगा। सीरियल किलर है वेंकटेश। वेंकटेश ने 72 मर्डर्स किए हैं। बाप रे। उसके बाद आरती आकर उससे पूछती है, वेंकटेश मेरे लिए तुमने 72 मर्डर्स किए हैं क्या? तभी वो उसकी आंखों में आंखें डालकर इमोशनली चाकू लेकर पेट में घुसा देता है, और फिर उससे कहता है 73 हो गए। बाप रे, तो फिर ऐसे फिल्में क्यों बना रहा है? क्या होगा यार, सुरेश बाबू ने कहा होगा, वेंकटेश कर रहा है, और क्या होगा बताओ। हाँ ये भी करेक्ट है,
पर क्लाइमैक्स इतना रूड कैसे है भैया? अभी तो इंटरवल हुआ है। हाँ सेकंड हाफ में उसके साथ क्या होता है? नहीं नहीं रमेश, ए रमेश करेक्ट टाइम पे मिला यार तू। वो दो टिकट मुझे दे देना यार, प्लीज यार, मैं तुझे क्वार्टर पिला दूंगा। और फिर भैया ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी तो मैंने ही दिया था। तू टिकट को क्या समझ रहा है रे? कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का नहीं, उसके आगे सेकंड शो का, परसों का। कोई भी टिकट किसी के पास भी नहीं है, ये सत्य है, जीवन का सत्य है। कुछ कड़वे सच को स्वीकार करके जीना पड़ता है। जा जाके जी ले या फिर कहीं मर जा। रुक जा, पर मर मर के मत जीना। मरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, उसी हिम्मत को तू अपनी जिंदगी जीने में लगा, एक पल में मर जाएगा। अरे टाइम हो रहा है, मुझे जाना है यार। ए, कहां जाएगा? हा? समय किसी के लिए नहीं रुकता। बेटुरु सीतारामा ने क्या लिखा है पता है क्या? बीता हुआ समय क्यों नहीं रुकता है, ये लिखा है। क्या हो गया? ये क्यों नहीं रुका? चलो चलते, हम लोग क्यों रुके? अगर मुझे पता होता कि बायोलॉजी होगी तो मैं कभी नहीं लेती ये। जाओ जाओ वो आ गया है, हम लोग चलते हैं। ठीक है चल बाय। चलो हम चलते हैं। जा सच बता। कौन सा सच सर? यही कि तुझे टिकट नहीं मिला, जा बता। नहीं सर। उसके लिए तुमने जो किया वो महान कार्य है, तू उसे प्यार करता है ये बात उसे बता। जीत की तरह झूठ बोलकर प्यार करता है क्या? सच बोलकर प्यार कर, तभी सच्चा प्यार बाहर आएगा। अगर नहीं है तो वो सच्चा प्यार नहीं है, वो झूठ का प्यार है। मेरी ड्रेस कैसी है? बहुत अच्छी है। तुम क्या फिल्म देखने ऐसे ही आओगे? मैं कोई बात नहीं, इसमें तुम अच्छे दिख रहे हो। मैं जितना भी रेडी हो जाऊं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। ऐसा नहीं है, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। ठीक है मुझे जाना है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। यहाँ से डायरेक्टली थिएटर में आ जाऊंगी। तुम पहले जाकर बैठ जाना, 9:15 तक मैं आ जाऊंगी। ऐसा ठीक रहेगा ना? ठीक 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 रहेगा। चलती हूँ। लता मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम क्या कहोगे मैं जानती हूँ सीनू, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। पर मुझे तो तुम पहले दिन से ही बहुत पसंद हो। हाँ? I love you too. हाँ? See you, Sinu. अरे ये रोड पर ही क्यों घूम रहा है? ए भाई! लगता है इसको भी घर से निकाल दिया होगा। क्यों भाई यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है रे? मेरी दीदी ने मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया, अभी टिकट नहीं है। बिना फिल्म देखे क्या मुंह लेकर अमलापुरम जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अर्जेंटली मुझे थिएटर जाके टिकट लेना पड़ेगा। चलो भाई थिएटर के पास जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी, वैसे भी हम लोग पतली ही जाने। अरे कुछ नहीं होगा भाई, इस समय थिएटर में कोई नहीं होगा, हम जाके गेट को कस के पकड़ लेंगे। गेट खुलते ही हम दोनों अंदर चले जाएंगे, सबसे पहले टिकट काउंटर में पहुंचेंगे। जैसे ही टिकट काउंटर ओपन होगा पहली टिकट हमारे हाथ में होगी। अरे मेरे पास पैसे भी हैं, आप चलिए मेरे साथ। बात है तुझे देखकर तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है यार। तू एक रूप में साइकिल का इंतजाम करता हूँ। हाँ लेके आइए। पहले कह रहा हूँ भाई, बालकनी के टिकट के बिना मैं सेट नहीं होता। बस 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 रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सुबह सुबह पोलियो की बूंद लेने के जैसे ऐसे कैसे आ गए? भैया अकेली नहीं हूँ, नकली से जा नहीं सकते। अरे जल्दी गेट खोल दो। बहन तुम्हें क्या जरूरत थी इतना कष्ट उठा के यहाँ तक आने की? हाँ तू क्यों राय दे रहा है फालतू में? तेरे बाप मुझे टिकट दिलाएगा क्या? अरे भैया जल्दी गेट खोल दो, मैं अकेली नहीं हूँ। खोलो
भैया भैया भैया, आपके पास दो टिकट होगी क्या? चिल्लर लोग बहुत हो गए हैं। क्या है भैया? कुछ भी हो लेकिन टिकट मिलने का कॉन्फिडेंस कुछ और ही होता है। अरे भाई दो टिकट दे दोगे क्या? ए चल बे, टिकट चाहिए टिकट, पागल कहीं का। सिनु भाई एक्स्ट्रा टिकट है क्या? दुनिया ना बहुत ही छोटी है भाई, एक दूंगा भाग जा यहाँ से, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। अरे चल, ऐसा क्या मांगा था? टिकट ही तो मांगा था, कितना कौन से ले भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे छोटा गेट खोल दिया, भागो रे। कहाँ गायब हो गया भैया? असल में इस थिएटर का छोटा गेट है ही नहीं। तो फिर बड़े गेट के पास भागो, चलो। अरे बाप रे भैया, दो चाय देना। अरे वो देख, वो पता है कौन है? ये थिएटर का मालिक है। अरे वो नहीं, सफेद शर्ट वाला नहीं। कौन? हमारे अमलापुरम का एमएलए धोरा बाबू। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मेरा साला ना मेरे गांव में काउंसलर के लिए खड़ा हुआ है, उसका एमएलए बहुत ही क्लोज है। अगर हम मेरे साले को कॉल करेंगे तो वो एमएलए को कॉल करेगा और एमएलए थिएटर के ओनर को कॉल करेगा और अपने टिकट का काम हो जाएगा। लगता है आज किस्मत चमक जाएगी। हेलो हेलो साले साहब, क्या हो रहा है? जीजू आप हो? टाइम हो रहा है, फिल्म देखने जा रहा हूँ ना। क्या खुशी फिल्म? अरे नहीं तो क्या, बद्री। लेकिन टिकट कैसे मिल गई यार? तुम्हें तो पता ही है ना जीजू, मैं काउंसलर के लिए खड़ा होने जा रहा हूँ ना। हाँ अरे तो इसीलिए तो मैंने भी कॉल किया ना तुमको। उस दिन पार्टी मीटिंग हुई थी, मुझे ऑफर दिया था, तुम्हें काउंसलर टिकट चाहिए या फिल्म का टिकट चाहिए? तो मैंने कहा मुझे फिल्म का टिकट चाहिए, काउंसलर के लिए खड़ा होकर कोई वोट तो नहीं देगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। एक टिकट एक्स्ट्रा है, चाहो तो आ सकते हो। भैया भैया प्लीज अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने। अरे भैया सुनो तो, अरे और तेरी तो सीधे दीवार से ही चला गया। वो पुरुषोत्तम है ना, कुछ दिन पहले पुलिस की भर्ती में दीवार नहीं चढ़ पाया, इसलिए जॉब खो दी। ये चढ़ गया तो मैं भी चढ़ जाऊंगा। अरे भाई देखा दीवार कितनी लंबी है, तू इससे पहले कभी दीवार पे चढ़ाया गया? मैं चढ़ जाऊंगा भाई। अरे सुन, आराम से उतरो, पैर आराम से रखो। हाँ वहाँ पे थोड़ा सा आगे खसको भैया। पवन कल्याण भैया। अरे थोड़ा रुक जाओ ना, ऐसे करो भैया। तेरी तो, चल निकल यहाँ से। कूद जाओ भैया, कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। कूद जाओ भैया, कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। इसमें तो हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है। अरे सेम पवन कल्याण भैया की तरह कूद गए। अरे भाई उठो उठो, चढ़ते वक्त तो ठीक से चले गए थे, लगता है पीठ टूट गया। सुबह सुबह 6 बजे से विजयवाड़ा में आग लगी थी, अभी अभी फोन आया, फिल्म फ्लॉप हो गई। अरे भाई, भाई लगता है तुमको बहुत लग गई है। अरे न गाने अच्छे हैं न कॉमेडी अच्छी है, सुनने में आया कि फाइट भी बहुत खराब है। अरे पवन कल्याण भी स्क्रीन पे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पतला लग रहा है। फिल्म फ्लॉप है, किसने कहा?
मैंने कहा है भाई क्या कर लेगा तू? दोबारा मत कहना कि फिल्म बेकार है, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या करेगा बे? जान ले लूंगा तेरी मैं, जान ले लूंगा। लफड़ा हो रहा है ये भाई? आप ही बताओ ना भाई, मेरे साले ने सुबह विजयवाड़ा से फोन किया था भाई, बोला फिल्म अच्छी नहीं है, फ्लॉप है। मैंने भी आकर के सबको वही बोला, ये मेरे से लफड़ा करने लगा भाई। तुझे फोन कितने बजे आया था? यही कोई 7:30 बजे भाई। विजयवाड़ा में शो कितने बजे का है? सुबह 6 बजे का भाई। 6 बजे का शो है, मतलब थिएटर बैनर पूरा रेडी करके अपने भैया का कटआउट पर दूध का अभिषेक करके, फूल का अभिषेक करके, दिया जलाकर, हार पहनाकर अंदर जाने तक 6:25 होते हैं। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटे 49 मिनट, मतलब फिल्म जस्ट 1 घंटा 15 मिनट देखकर तेरे डेड दिमाग साले ने तुझे फोन करके फिल्म हिट है या फ्लॉप है ये कह दिया, तो तू यहाँ आकर अपने आप को शेरशाह समझकर झगड़ा कर रहा है क्या? तो चुप, निकल यहाँ से, चल ए, गाड़ी बड़ी कुछ नहीं, चल निकल। तुम्हारा इधर नजर आया या कहीं आस पास नजर आया तो गला काट दूंगा तेरी माँ का, बाप का, भाई का, बहन का। ए, जगह खाली करो रे। पवन कल्याण का फैन। अच्छा हाँ, तम्मुड़ू फिल्म में पवन कल्याण के भाई का नाम क्या है? अच्छू भैया। अच्छू बड़ा भाई है, मैंने पूछा है कि छोटा भाई, इसलिए तो फिल्म का नाम तम्मुड़ू है। चल निकल जीजू। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या जीजू, दीदी ने बताया नहीं? आजकल वो कुछ नहीं बता रही है, तू बता। सुबह सुबह अमलापुरम से टिकट के लिए यहाँ पर आया तो दीदी ने घर से निकाल दिया जीजू। अमलापुरम से तो आया, चुप करना। अमलापुरम से तू यहाँ तक आ गया, पगला है क्या? टिकट फोकट में आती है क्या? वो बात नहीं, लास्ट टाइम वो बदले पहले की बात अलग है, अभी पहले जैसा हाल है क्या? अरे बच्चों को लेकर मत आओ यार, थिएटर में दिमाग खराब हो जाएगा। आप तो धर्मराज है ना भाई? अरे धर्मराज नहीं, द्रौपदी नहीं, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही, अभी सब कुछ बदल चुका है। अरे क्या है भाई, हर बार ऐसा ही करते हैं आप, हर बार देख रहा हूँ सच्चे फैंस को टिकट नहीं देते हैं, सभी फालतू लोगों को देते हैं। बद्री के लिए भी आपने ऐसा ही किया और उससे पहले भी, एक टिकट दोगे तो क्या जाएगा आपका? भैया मैं भी आऊं क्या? अबे दो बड़े बात करेंगे तो तू क्या करेगा बीच में, रुक जा, समझा ना? नमस्ते सेठ। मुझसे पूछे बिना इसे अंदर किसने भेजा रे? नमस्ते सेठ जी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, थोड़ा धीरे बात करो, बाहर बच्चों के सामने मेरी इज्जत है। क्या तुझे है? वो क्या के फैन एसोसिएशन पर 30 टिकट मिलती है ना, वो दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा भाई। इसको पूछ के बोला तूने फैन एसोसिएशन है, तमाशा लगा रखा है। भैया दे दो ना भैया टिकट, क्या फोकट में आता है फिल्म का? मैं फैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ भैया, बस 15 टिकट दे दो भैया, मैं चला जाऊंगा। बस प्रेसिडेंट कैसे बना, किसने दिया तुझको वो? कम से कम 12 तो दे दो, मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं आपका नाम दे दूंगा, आपसे विनती करता हूं। टिकट तुझे दे दूंगा तो काउंटर पर समोसा रख के बेचूंगा क्या? भैया आपकी बेटी का फंक्शन हुआ था तो सारा काम हमने तो किया था, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है 11 टिकट तो दे दो ना भैया प्लीज। ये ले, 10 दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं, निकल। इनफ देयर मोर भैया, काफी है। आऊंगा आऊंगा, दोबारा आऊंगा। अरे समोसा बिस्किट कौन खाएगा? नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, तेरे प्यार की ऐसी की तैसी। अरे भैया आ गए, भैया आ गए। भैया क्या हुआ? भैया क्या हुआ भैया? अरे उसका क्या है, जाते टिकट का बंडल हाथ में देकर जाने को कहता है, पागल है क्या? और सारी टिकट क्यों चाहिए, दिमाग खराब है क्या? 10 टिकट काफी है, तो मैंने भी उसको भी बोला तो उसने दे दी। ये ले ये 10 टिकट लेकर हमारे एसोसिएशन में किसी भी हार्ड कोर फैन को बुलाकर एक सीट में 2 लोगों को बिठाने को बोल। ठीक है भैया, चल ठीक है, बहुत हो गया, मैं रिटायर हो रहा हूँ। अरे भैया, अरे ये प्यार व्यार मैंने बहुत देख लिया, अभी कोई जरूरत नहीं। भैया 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 भैया, एक साइड हट भैया, रुक बे, अर्जेंट में मुझे टिकट चाहिए। 2 दिन पहले तो दी थी ना? अरे कल किसी और ने पूछ लिया तो मैंने दे दिया। अच्छा 2 चाहिए क्या? तो मैं एडजस्ट हो जाएगा या एक और दे दूं तेरे को? हाँ भाभी को बताऊंगा आपके बारे में। बता बता बता, चप्पल से मारूंगा उसको भी। बता बता हाँ, बता बता ना, बता ना, बिना बताए कहाँ भाग रहा है? टिकट काउंटर खोल सकते हैं ना, लेकिन खोल क्यों नहीं रहे? टिकट काउंटर खोलने के लिए बॉक्स आना चाहिए ना। बॉक्स? कौन सा बॉक्स? ज्योमेट्री बॉक्स? अरे रील बॉक्स रे। अच्छा उसमें क्या होता है? फिल्म होती है। पूरी फिल्म उसमें होती है क्या?
पूरी फिल्म उसी में होती है। कितना बड़ा होता है बॉक्स? थिएटर जितना बड़ा होता है। थिएटर में बॉक्स होता है रे, बॉक्स में थिएटर नहीं होता है। बॉक्स को कौन लेकर आता है? वो कहाँ होता है? कैसे आता है और कब आता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आता है। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन। ओ यार मेरा तू, दिलदार मेरा तू, तू लेके उड़ चला दिल मेरा, तू वापस आ जा ओ दिलदार मेरे तू। अरे क्या हो गया? जाने मन जाने मन तेरे। हेलो, हाय बॉस। लिफ्ट। ए फिल्म के लिए लेट हो रहा हूँ, चल किनारे हट। है? रील यहाँ पर रहते फिल्म कैसे देखेगा? टिकट काउंटर खोलो। ऐसा घोर अपमान। चार फाइटे है यार फिल्म में, वो भी सुपर। आपको कैसे पता? बॉक्स तो अभी आया है। बॉक्स में देखा तभी बता रहा हूँ पगले। ये लाठी पड़ेगी, हट जा। ये चल 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 लाइन में आ जा सब। ये तेरी तो ये लाइन सेट अप। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ओ सागर, एक टिकट देना, जल्दी दे बे। वोट डालूंगा तुम लोगों को। अबे ये है कौन जो इतनी जल्दी आकर टिकट ले गया? गोपन्ना भाई। सीआई है, एसआई है, या कमिश्नर है, या फिर डीएसपी है? कौन है वो? कौन है? नहीं वो गोपन्ना है। राउडी है क्या? राउडी शूटर है क्या? डॉन है क्या? माफिया है क्या? कौन है वो तू बताना। अरे नहीं भाई, गोपन्ना है, हर फिल्म के लिए ऐसे ही लफड़ा करता है और टिकट लेके चला जाता है। अरे यार ये ट्रिक बतानी चाहिए थी, ये पता नहीं था इसलिए अब तक मैं वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। स्टैनली भैया को क्या हुआ? हट जाओ बे, मैं बोल रहा हूँ हट जाओ। इधर भीड़ नहीं लगाने का, चलो निकलो पतली गली से। क्या कर रहे हो तुम? अरे खड़े नाटक दिखाते। ए चल, ए चलो, हल्दों में भीड़ लगा रखी है। कौन है यार? गोपन्ना से भी बड़ा आदमी है सुना है। ए भाई दो पीछे वाले टिकट देना। कौन है बे तू? अच्छे से पूछने पर कोई नहीं देता। तुझे टिकट चाहिए क्या? वहाँ पर पांच टिकट है, बोल। ए भाई पांच पांच टिकट देता हूँ तुझे, पांच टिकट। चल, कहाँ कहाँ से चलाता है पता नहीं। चल चल यहाँ से। ए निकल, हटो पीछे, थिएटर को मजाक समझ रखा है। चल निकल यहाँ से। चल, क्या बताएगा तू? मैंने कहा ना छोड़ो, मारो मत। तेरी तो मुझे धमकी दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल, अभी मैं बाहर गया। ठीक है भैया, फिल्म का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। अरे अरे तुझे टिकट कैसे मिली? मैंने अपने बाप को क्लियर बता दिया भैया, टिकट्स दिलाओगे या मैं दोबारा मैथ्स में फेल हो जाऊं। उन्होंने दिला दिया। बाय बाय। अरे अरे सुन कली मस्त कली।
अरे मेरी जिंदगी बेथू है। Phew.